आज आप इस वक्त वॉक कर रही हैं? मार्केट गई हुई थी कुछ चीजें लेने। आप क्या कर रही हैं? बस कुछ भी नहीं, घर बैठे बैठे अपसेट हो रही थी। अपसेट? हाँ, वो पेरेंट्स को मिस कर रही हूँ। होम से एक? हाँ, कुछ नहीं होता, कुछ दिनों में आपका हनीमून खत्म हो जाएगा, फिर आप वापस चली जाएंगी। ससुराल कहाँ है आपका? इस्लामाबाद। अच्छा, और मैं कहाँ? वो भी इस्लामाबाद। हाँ तो फिर क्या मसला है? मसला था तो नहीं, लेकिन नजर आने लगा है। मर्द कितनी जल्दी बदल जाते हैं ना। क्या हुआ? मैंने हसन को अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करते हुए पकड़ा है। हो सकता है गलत फहमी हुई हो। नहीं, गलत फहमी नहीं है। मेरे हसन के मोबाइल पे उसकी गर्लफ्रेंड के मैसेज पड़े हैं, और सिर्फ उसी के नहीं, और कई लड़कियों के मैसेज पड़े हैं। इस बात पे हमारा झगड़ा हुआ था। And he shouted at me. Can you believe it? He shouted at me. 17 दिन पहले हमारी शादी हुई थी, एंड वो अभी से इतना रूड हो गया। तुम्हें उसके मैसेजेस नहीं पढ़ने चाहिए थे ना। पर क्यों ना देखो मैं उसके सेलफोन में। मैं उसकी बीवी हूँ, वो भी मेरे सेलफोन में देखता है। मैं तो मायने नहीं करती, क्योंकि मेरे दिल में चोर नहीं है उसकी तरह। प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है, शादी के बाद भी। प्राइवेसी अच्छी चीज है। इससे आपका शोहर अपनी गर्लफ्रेंड को छुपा सकता है। 2 दिन पहले तक मुझे मोहब्बत जता रहा था। आपका क्या ख्याल है कि मैं भूल जाऊंगी कि हमारे हनीमून पे हसन अपनी गर्लफ्रेंड से मोबाइल पे बात कर रहा था, उसको टेक्स्ट कर रहा था, और वो उल्टा मुझ पे गुस्सा कर रहा है। शादी का सफर इतना आसान नहीं होता। तो फिर मैं उसको छोड़ दूंगी। छोड़ना भी इतना आसान नहीं होता। हैदर, ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है, ये वाला? हम्म, तो जमुल है, कैलिफोर्निया वाला। जी हाँ। बहुत क्यूट है। दो बच्चों का बाप है। मैं कोकी के लिए देख रही थी भाई। ये तुम औरतों की कितनी चीप मेंटालिटी है। चीप क्यों? अपनी शादी की तस्वीर देखो, दूसरों के रिश्ते करवाने चल पड़ी हो तुम। तुम हर तस्वीर में इतने सीरियस क्यों लग रहे हो हैदर? मुझे उम्र कैद मिल रही थी और मैं दंडियां निकालता। ये उम्र कैद है? बामशक्कत। तुम्हारे लिए उम्र कैद है या मेरे लिए उम्र कैद है? तुम्हारे लिए कहां से उम्र कैद है, तुम्हें तो शादी के बाद ज्यादा आजादी मिली। बड़ी आजादी मिल गई है भाई। जब चाहे मैं घर का काम कर सकती हूँ, जब चाहे मैं बाहर का काम कर सकती हूँ, जब मर्जी शोहर की बुड़बुड़ सुन सकती हूँ, जब मर्जी बच्चों को होमवर्क करा सकती हूँ। पुराने दौर की औरत नहीं हो तुम, आज के दौर की औरत हो जो अपने शोहर का हशर कर देती है। बड़ा तजर्बा है तुम्हें। चलो नहीं है तो हो जाएगा, इंसान अपने माहौल से ही सीखता है ना यार। तुम्हारे माहौल से तो यही सीख सकता है ना इंसान। एंटी वुमेन, एंटी मैरिज, एंटी वुमेन वर्किंग। सीरियल खाओ अपना चुप करके बस। अरे और भी बहुत सी जगहें हैं घूमने फिरने की, अब जरूरी नहीं है कि इंसान मुंह उठाए और मरी चला आए। और भी जगहों पे घूम। अच्छा बाबा, आ जाए करेंगे यहाँ, अगर इतनी छुट्टियां मिली तो मैनेज कर लेंगे ना। कुछ मैं कर लूंगी, कुछ तुम कर लेना। क्या मतलब, तुमने पक्का इरादा कर लिया शादी के बाद जॉब करने का? हाँ, घर बैठ के क्या करूंगी, पागल हो जाऊंगी। वैसे भी इतनी अच्छी जॉब है, इतना अच्छा पैकेज है, सेविंग्स ही हो जाएंगी।